जनता त्रस्त, विद्युत विभाग मस्त। पारा गांव में एक हफ्ते में 2 ट्रांसफार्मर ध्वस्त। हरदोई के टोडरपुर ब्लॉक के अंतर्गत पारा गांव में नहीं हो रहा है हल विद्युत समस्या का। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ग्राम पारा में ग्रामवासियों को आए दिन करना पड़ रहा है इसका सामना। ग्रामीणों का कहना है कि क्षमता से कम पावर के ट्रांसफार्मर होने के कारण नहीं हो पा रहा है लोड। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर 63 वोल्टेज का है, जो कि पर्याप्त नहीं है। कनेक्शन के मुताबिक इससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। अधिकतर गर्मियों में बढ़ जाती है लाइट की समस्या, बारिश व हवा के चलते जल्द फूक जाते हैं ट्रांसफार्मर। ऐसी समस्या को देखते हुए शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं करवा पा रहा है समाधान। अब देखना है कि प्रशासन के अधिकारी कब तक मौन रहते हैं और ग्रामीणों को समस्या का सामना कब तक करना पड़ेगा। पावर हाउस आलमनगर का ये पूरा मामला है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट हरदोई से।